सभी किसान भाइयों को जय हिंद। मेरा नाम शांत सैनी है, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बीएससी एग्रीकल्चर का छात्र हूँ। सभी किसान भाइयों को जय हिंद। आज मैं आपको थोड़ा बहुत देश हित और किसान हित के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, रांची, पटना से डिमांड हुई है, सर ऑर्गेनिक खेती करते हैं और उसमें रस चूसने वाले कीट लगते हैं और जो हमारी फ्रूटिंग होती है उसमें ग्रीन ग्रीन कलर का कीट लगता है, मातृभाषा में किसान भाई बोलते हैं सुंडी। इसके बारे में पहले मैं आपको मिक्सचर बताऊंगा। ये जो हम बनाते हैं मिक्सचर, इंसेक्टिसाइड बनाते हैं हम ऑर्गेनिक में, पहले तो हम वाटर लेंगे 100 लीटर, काऊ रेन लेंगे 10 लीटर, काऊ डंग लेंगे 2 kg और नीम्स के जो लीव्स हैं उसको लेंगे 5 kg। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे किसी बर्तन में, फिर उसके बाद 24 से 48 घंटे के बाद इसको हम छान कर सूती जो बैग आते हैं या तो कॉटन का कपड़ा लें उसके ऊपर छान लीजिए दूसरे बर्तन में और उसका फील्ड में प्रयोग कीजिए। 48 से 72 घंटे में आपको इसके रिजल्ट फील्ड में मिल जाएंगे देखने को। इसका जो जो इसका प्रयोग होता है ये 6 महीने तक आप स्टोर करके कर सकते हैं और फील्ड में इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी खराबी नहीं है। 6 महीने तक जैसे मर्जी इसका प्रयोग कीजिए फील्ड में, 6 महीने की क्रॉप होती है, उसके बाद हार्वेस्टिंग वगैरह हो जाती है। 6 महीने तक इसका प्रयोग कंटिन्यूसली कीजिए। इसका प्रयोग करते बार थोड़ी बातें बताऊंगा मैं, ध्यान रखिए। इसका प्रयोग टेम्परेचर होना चाहिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, धूप होनी चाहिए, उस टाइम इसकी स्प्रे कराइए अपनी फील्ड में और स्प्रे कराने के बाद 24 से 72 घंटे आपको रिजल्ट फील्ड में मिल जाएंगे। और इसके बारे में मैं जो आपको ब्रीफली मैं बताऊंगा कि आप इसको जो होते हैं कीट 24 से 72 घंटे के बाद वो बिल्कुल डेड हो जाएंगे अपने सॉइल में, और इसको जो कोल्ड आप इसको जो स्टोर करके रखेंगे उसको कवर करेंगे ऊपर से, उसको खुला मत, डब्बे जो जिसमें आपने मिक्स किया हुआ उसको कभी भी खुला मत छोड़िए, उसको कवर कीजिए, प्रॉपर कवर होना चाहिए, या तो किसी प्लास्टिक से या कोई सूत के बैग से उसको प्रॉपर कवर कीजिए, उसको कभी भी खुला मत करिए, यूज कीजिए, यूज करके बाद उसको क्लोज कीजिए, बिल्कुल सील कर दीजिए, सील कीजिए बर्तन, फिर तब यूज करना है, जो यूज कीजिए सील कीजिए, उसको कभी भी खुला मत छोड़िए। इसका प्रयोग कीजिए इंसेक्टिसाइड जो सुंडी होती है और रस चूसने वाले जितने कीट होते हैं, आप फील्ड में इसका प्रयोग कीजिए। ऑर्गेनिक खेती कोई करता है तो उसमें बेटर रिजल्ट है फील्ड में, आप इसका प्रयोग करके देखिए। सभी किसान भाई इसका प्रयोग कीजिए अपने फील्ड में। मेरा फ्रेंड है, उसने इसका प्रयोग किया है, मध्य प्रदेश में रहता है, उसको मैंने रिकमेंडेड डोज बताई थी, सर ऐसा ऐसा कीजिए, उसने यूज किया है, 2 दिन पहले किया था, आज उसके रिजल्ट बेटर है, आप इसका यूज कीजिए। लाइक क्रॉप्स हैं जो टोमेटो, पोटैटो, टर्मरिक, कोम्बर एक्सेट्रा, किसी भी क्रॉप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये कीट के मारने, कीट को जो लगते हैं आपके, जैसे सुंडी हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया, ये बिल्कुल स्टॉप कर देती है और फील्ड में कंट्रोल हो जाता है। इसका प्रयोग करके जरूर देखिए आप फील्ड में। सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। मेरे वीडियो आगे से आगे लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।